गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका मंथली टेस्ट आ रहा है, सभी को मंथली टेस्ट देना है और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों, आज का हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 11, 11वां लेक्चर पढ़ेंगे। किसका? यूनिट 2 आपकी 9th क्लास का, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो फर्स्ट चैप्टर हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, उसके साथ हमने बेसिक केमिस्ट्री की वीडियोज़ भी किए हैं। अगर आप नए हो चैनल पर, आप पहली बार देख रहे हो, आप नए न्यू स्टूडेंट्स हो, तो आप अगर ये 9th क्लास के पढ़ रहे हैं तो पहले बेसिक केमिस्ट्री के 5 लेक्चर जरूर देखें। 1 घंटे के होंगे मैक्सिमम, 1 घंटे से 70 मिनट्स के आसपास होंगे सारे 5ों लेक्चर। उसके अलावा फिर 9th क्लास की फर्स्ट यूनिट हमने की है बहुत अच्छे से, वो देखें। वहाँ पे टेस्ट है, रिविजन है, क्विक रिविजन है, सब कुछ है। उसके बाद ही शुरू करना। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है मनीष कुमार, पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री, और स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। चलो, तो आज का जो लेक्चर, हमने कोलोइड्स, पिछले लेक्चर हमने कोलोइड्स के बारे में पढ़ लिया था। कोलोइड्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन और कोलोइड्स में क्या डिफरेंस है, होमोजीनियस, हेटरोजीनियस, वो सब अच्छे से हमने बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट करके पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप एनटीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। तो बच्चों देखो, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्स मीडियम। दो चीजें आएंगी क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले, हमने ये पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया होगा सॉल्यूशन किस किस से बन के बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो जब भी हम कोलोइड्स के बारे में बातें करेंगे तो डिस्पर्स फेज से हमारा मतलब होगा सॉल्यूट से, जबकि डिस्पर्स मीडियम से हमारा मतलब होगा उसे सॉल्यूशन के सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन से। DSDRSED, ठीक है भाई, ये डिस्पर्स किस पे। तो देखो, कोई भी सॉल्यूशन बनता है वो दो चीजें, दो कंपोनेंट उसके होते हैं, ऐसे बनता है। एक सॉल्यूट होता है और एक होता है सॉल्वेंट, और जब दोनों मिल जाते हैं तो हमें देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स एग्जांपल वगैरह पढ़े। होमोजीनियस होता है, केमिकली वो हो जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं ये, और इनका कोई आइडेंटिटी नहीं बचती जब सॉल्यूशन बन जाता है, थ्रू आउट सॉल्यूशन यूनिफॉर्म होता है, ये सब पढ़ लिया। सॉल्यूट होता है लेस अमाउंट वाला, ये क्या होता है, लेस अमाउंट में सॉल्यूशन है कोई, उसमें लेस अमाउंट में जो है वो होता है सॉल्यूट, और मोर अमाउंट में जो होता है वो क्या होता है, उसको कहते हैं सॉल्वेंट। तो जो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कोलोइड्स है या क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स है, उनको हम इसके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे, उनकी टाइप्स पढ़ेंगे कि किसमें सॉल्यूट पार्ट क्या होगा, सॉल्यूट लिक्विड गैस में से, और सॉल्वेंट क्या होगा। मतलब दो चीजें मिलेगी, मान लो एक सॉल्यूट हमारा सॉलिड है और हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है, जब वो मिलके 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के पार्टिकल के साइज का कोई सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो एक डिफरेंट टाइप का कोलोइड होगा, उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया जाएगा। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है कोलोइड्स की। तो कोलोइड्स की डिफरेंट टाइप्स है वो देखो क्या क्या है। सबसे पहला होता है सोल। उसके बाद क्या होता है सोल, सोल को हम जैसे जो टाइप्स हैं इनकी, ये सब पढ़ेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट, इनकी अरे की डेफिनेशन और एग्जांपल देखेंगे। एक बार टाइप्स देख लेते हैं अलग से, टाइप्स क्या होती हैं। सबसे पहले होती है सोल, सेकंड पे होता है हमारा फोम, ठीक है भाई। थर्ड जो होता है वो हमारा होता है सॉलिड सोल, सॉलिड सोल। फोर्थ जो होता है हमारा वो होता है सॉलिड फोम, ठीक है। मेरे ख्याल में आपको याद करने में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, सारे बहुत मिलते जुलते बहुत सिंपल से याद हो जाएंगे। उसके बाद देखो नई चीज आती है एरोसोल, एरोसोल ये अलग आया है। अब उसके बाद आता है जेल, सभी को पता है जेल क्या होता है, सब यूज करते हैं बच्चे। उसके बाद जो लास्ट आता है हमारा आता है इमल्सन, जब आप पेंट वगैरह लेने जाते हो घर के अपने पेंट करने के लिए कि भाई दीवार पे पेंट करना है तो हमें क्या चाहिए, तो इमल्सन नाम अक्सर आप सुनते होंगे कि भाई इमल्सन लेना है या फिर वो लेना है, अंदर का होता है क्या होता है पीओपी इमल्सन, और एक चीज और होती है भाई देखना, पेंट वेंट जब आप लेने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इमल्सन क्या होता है। मतलब इमल्सन वो चीज है जिसकी एक पेंट की दुकान वाला जो 9th क्लास में हो सकता है पहुंचे भी ना हो, वो भी इमल्सन की जानकारी रखता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि केमिस्ट्री जो है डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बारे में जानना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। तो
अभी शुरू करते हैं। टाइप्स लिख लोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स है, एक होता है सोल, फोम, सॉलिड सोल, सॉलिड फोम, एरोसोल, जेल और इमल्शन। ये किसके बेस पे होंगे? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बेस पे। एक में डिस्पर्स फेज कुछ होगा, दूसरे में डिस्पर्स मीडियम कुछ होगा, मिलके कोलोइड साइज के पार्टिकल का सोल्यूशन बनाएंगे। तो वो इनमें से होगा कि भाई वो जो बनेगा वो क्या होगा, सोल बनेगा, फोम बनेगा और क्या बनेगा, वो सब इस तरह से होगा। ये मेरे ख्याल में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब लिखो सोल के बारे में। सबसे पहले सोल क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ सोल। कोलोइड्स की डेफिनेशन तो लिख ली थी आपने कि किन के बीच में होता है, जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होगा। देखो क्या लिखोगे सोल के बारे में, सोल की डेफिनेशन लिखो है क्या, इट इज ए कोलोइड। सोल क्या है भाई, सोल है क्या, एक कोलोइड ही तो है। इट इज ए कोलोइड इन विच टीनी पार्टिकल्स, इन विच टीनी पार्टिकल्स आर क्या है। मैंने क्या कहा था कि एक में सोल्यूट होता है, एक में सोलवेंट। लेकिन जब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोलोइड्स में, कोलोइड्स के, तो सोल्यूट सोलवेंट के बजाय डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम की बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा, दो चीजें होगी, एक डिस्पर्स फेज होगा, एक डिस्पर्स मीडियम। तो सोल होगा इट इज ए कोलोइड इन विच टीनी पार्टिकल्स आर। टीनी पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे सोल में, सोलिड पार्टिकल्स या टीनी पार्टिकल्स। टीनी के बाद सोलिड और लगाओ भाई, डेफिनेशन एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखो, टीनी सोलिड पार्टिकल्स। टीनी सोलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम, आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम। बात को समझो भाई, क्या कह रहा है, टिनी सोलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम, कि कोई ऐसा चीज होगी जिसमें मीडियम होगा लिक्विड और उसमें टिनी सोलिड पार्टिकल मिलाए जाएंगे और जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो वो एक कोलोइड बनेगा। मतलब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के साइज का ये पार्टिकल होंगे तो बन गया कोलोइड। अब कोलोइड बन गया तो इसमें कोलोइड का कौन सा टाइप होगा, जब सॉलिड हमारे होंगे इसमें पार्टिकल्स डिजोल्व होंगे, इसमें सॉल्यूट की तरह आएंगे, और मीडियम क्या होगा वो होगा लिक्विड। तो वो जो कोलोइड बनेगा वो होगा सोल, उसको बोलेंगे सोल। ठीक है भाई, तो लिक्विड मीडियम के अंदर जब सॉलिड टिनी पार्टिकल आएंगे तो वो बनाएगा सोल। और इस तरह के एग्जाम्पल जो होंगे जैसे इंक, सोप, और ये जब हमने कोलोइड के एग्जाम्पल पढ़े थे, लिख लेना इंक सोप सोल्यूशन एग्जाम्पल, लिख लेना स्टार्च सोल्यूशन, ये लिख लेना इसमें। तो यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे डिस्पर्स फेज क्या था, डिस्पर्स फेज क्या है, सोल्यूट क्या है, ये डिस्पर्स फेज है टिनी सोलिड पार्टिकल, और डिस्पर्स मीडियम क्या है लिक्विड। डिस्पर्स मीडियम लिक्विड, कि जब टिनी सोलिड पार्टिकल किसी लिक्विड में आके कोलोइड बनाएंगे तो उस कोलोइड को कहेंगे हम सोल कोलोइड्स, कि सोल है वो, यू कोलोइड नहीं वो सोल है, कोलोइड्स की टाइप है सोल। और एग्जाम्पल इंक सोप सोल्यूशन स्टार्च सोल्यूशन कर लोगे। नेक्स्ट पढ़ो सोलिड सोल। सोलिड सोल भाई, सॉलिड सोल में देखो यहीं पे कर देते हैं, सॉलिड लगा देते हैं, अगली डेफिनेशन बन जाएगी। अपने आप दिमाग लगाओ, सॉलिड सोल है तो इसका मतलब क्या होगा, क्या चेंज हुआ होगा, पहले क्या लिक्विड था कहाँ सॉलिड हो जाएगा, कि पहले क्या था कि ये लिक्विड मीडियम था और पार्टिकल सॉलिड थे। अब अगर यहाँ मीडियम हमारा हो जाए सॉलिड, कि भाई सॉलिड पार्टिकल सॉलिड ही मीडियम के अंदर घुस गए और डिस्पर्स हो गए, डिस्पर्स फेज भी सॉलिड है, डिस्पर्स मीडियम भी सॉलिड है, तो उसको कहेंगे सॉलिड सोल। उसको क्या कहेंगे, सॉलिड सोल। देखो इस तरह की जो एग्जांपल वो आपको याद करने पड़ेंगे। कलर्ड जेमस्टोन्स हो गए होते हैं, जैसे रूबी वगैरह हमारे जो जेमस्टोन्स होते हैं ना, कुछ स्टोन्स कलर वाले जो हमारे होते हैं ना मोती, कलर्ड स्टोन्स लाइक रूबी भाई, जो पहनते हैं ना कुछ राशि वासी के नग वाले अंगूठी, रूबी होता है किसी का, कुछ और साइन होते हैं ना ये हमारे, क्या बोलते हैं इनको, जैसे किसी का सिंह है, किसी का दूसरा है कोई भाई, मकर कर्क, इस तरह से जो हमारे साइंस होते हैं, हमारे बर्थ साइन, उनके हिसाब से जो मोती होते हैं कलर्ड होने चाहिए, जेमस्टोन रूबी होता है उसका एग्जांपल। तो क्या लिखो, कलर्स जेमस्टोन्स लाइक रूबी कर लो। सॉलिड सोल और सॉलिड सोल और सोल में डिफ्रेंशिएट हो गया। सोल में क्या था, यहाँ पे टिनी सॉलिड पार्टिकल्स किस में जा रहे थे, लिक्विड मीडियम में, और सॉलिड सोल आ गया तो टिनी सॉलिड पार्टिकल सॉलिड मीडियम में, डिस्पर्स फेज भी सॉलिड, डिस्पर्स मीडियम भी सॉलिड।
अगला देखो क्या है, उसके बाद है फॉर्म। फॉर्म देखो भाई, फॉर्म जनरली क्या कहते हो? फॉर्म आपको गांवों में सुनने को देखने को मिल जाएगा कि भाई फॉर्म है क्या होता है। फॉर्म को मतलब आपको गद्दम गद्दम कुछ होता है, उसी को तो कहते हैं फॉर्म। यही तो होता है ना। अगर कोई गैस है और वो लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स हो रही है, गैस प्लस लिक्विड, तो वो होता है फोम। क्या लिखोगे? इट इज ए कोलोइड इन विच गैस पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम। क्या लिखोगे? इट इज ए कोलोइड, इट इज ए कोलोइड इन विच गैस पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन, गैस पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड किसमें? लिक्विड फेज में, लिक्विड मीडियम। बताओ सोल्यूट क्या है? गैस पार्टिकल, गैस कम है जाएंगे, सोल्यूट क्या? लिक्विड। तो डिस्पर्स फेज क्या है? हमारा गैस, डिस्पर्स मीडियम हो जाएगा लिक्विड, तो उसको क्या कहेंगे? फॉर्म। स्पंजी टाइप नहीं होता फॉर्म, आप देखते हो बहुत सारे देखते हैं, जैसे साबुन के बबल्स होते हैं या हम जो शेविंग क्रीम है तो जो झाग नहीं आ जाते, फॉर्म क्या होता है? झाग ही तो होते हैं कि जहाँ पे गैस के पार्टिकल्स हमारे लिक्विड के अंदर डिजोल्व होके एक बबुल्ले बनते हैं या झाग बनता है, उनको कहते हैं फॉर्म। तो क्या लिखोगे इसमें? शेविंग क्रीम, और इसमें लिख लो एग्जाम्पल में लिख लोगे ये सोप बबल्स, शेविंग क्रीम, सोप बबल्स, शेविंग क्रीम बबल्स, शेविंग क्रीम फोम, फोम ही लिख लो। और उसके अलावा जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जैसे बियर हुई, कोल्ड ड्रिंक हुई, उसमें भी जो फोम बनता है, वह ऊपर झाग आते हैं, वो भी क्या होते हैं? फोम होते हैं। उनमें क्या होता है? लिक्विड मीडियम में गैस डिस्पर्स होती है। लिख लो फोम की डेफिनेशन। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, हमारा है सॉलिड फोम। सॉलिड फोम में बताओ क्या होगा? कि फोम में था गैस प्लस लिक्विड, यहाँ पे आ जाएगा गैस प्लस सॉलिड। अगर गैस किसी सॉलिड फेज में डिस्पर्स है, इट इज ए, लिख लो यहाँ पे सॉलिड, सॉलिड फॉर्म, इट इज ए कोलोइड इन विच गैस पार्टिकल्स आर डिस्पर्स इन सॉलिड मीडियम, सॉलिड मीडियम। एग्जाम्पल क्या लिखोगे बताओ भाई? एग्जाम्पल क्या लिखोगे सॉलिड फॉर्म के? एग्जाम्पल क्या लिखोगे? देखो ये होते हैं रबड़ फॉर्म, स्पंज, ब्रेड, जो हमारे कुछ एक वो जूने होते हैं ना, स्पंजी जूने होते हैं, या जो हमारी ब्रेड होती है या कुछ भी स्पंजी चीजें जो ऐसे दबाते हैं तो दब जाती हैं, वो सब होते हैं हमारे सॉलिड फॉर्म में। एग्जांपल लिखो इसको कि फोम रबड़, एक रबड़ आते हैं फोम के, फोम रबड़, और क्या लिखोगे? स्पंज, स्पंजे एंड ब्रेड, ब्रेड स्पंजे, ये सब किसके हो गए? सॉलिड फॉर्म के। मेरे ख्याल में चारों आपको क्लियर होंगे। सोल क्या था? सॉलिड प्लस लिक्विड, सोल, सॉलिड सोल, सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड सोल। एग्जाम्पल याद कर लेना, बहुत जरूरी है। यहाँ पे आ जाओ, फोम क्या था? गैस प्लस लिक्विड था फोम। एग्जाम्पल कर लिए थे हमने, और उसके बाद आया गैस प्लस सॉलिड हुआ तो सॉलिड फोम। देखते हैं लेक्चर कितना हो गया, चलो पूरा ही करा देते हैं आगे। ये चारों आपको मेरे ख्याल में बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखो हमारे पास अगला बच गया जेल। जेल क्या होता है भाई? बच्चा पार्टी बताओ, सब लगाते हो जेल, जेल में क्या होता है भाई? इनमें देखो याद, आप टेबल, टेबलर फॉर्म होगी, मैं आपको एक टेबल फॉर्म में बता दूंगा कि इसमें क्या क्या होता है, सब कुछ बता दूंगा। एक लास्ट में एक टेबल डाल दूंगा फोटो खींच के, जिसमें आपको सब कुछ अच्छे से नोट कर लेना, लेकिन समझने के लिए आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। लास्ट हमारा, लास्ट नहीं, उसके बाद फिफ्थ हमारा जेल। जेल के बारे में बताओ, सभी ने जेल देखा होगा, थोड़ी इंक फिल कर लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। भाई जेल सबने देखे हैं ना अपने घरों में, बालों में सब लगाते हैं जेल। इसकी डेफिनेशन आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, वो हम लिखवा देंगे आपको, और एग्जांपल तो आपको पता ही है, नाम लिख देना सेट वेट जेल, है ना, लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो जेल, जेल इज ए सेमी सॉलिड कोलोइड, बस ये लाइन याद करनी। सेमी सॉलिड कोलोइड मतलब कुछ सॉलिड होगी, कुछ नहीं होगी। सेमी का मतलब था थोड़ा, पूरा नहीं, जैसे फाइनल, फाइनल
फाइनल से करके सेमीफाइनल की, फाइनल के बहुत नजदीक, सॉलिड के बहुत नजदीक, थोड़ा सा भाई फाइनल के पास पहुंच चुके हैं, हाफ हाफ सेमी। तो सेमी सॉलिड कोलोइड होता है, क्या होता है, जेल इन विच देयर इज ए कंटिन्यूअस नेटवर्क, इन विच देयर इज ए कंटिन्यूअस नेटवर्क, किसका, क्या है, सेमी सॉलिड है, जेल जेल है सेमी सॉलिड, इसमें कंटिन्यूअस एक नेटवर्क होता है सॉलिड पार्टिकल्स का, कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन, किसमें होंगे सॉलिड पार्टिकल, देखो जेल कैसा होता है, गीला गीला होता है ना, तो डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, एक तरह से लिक्विड ही तो होता है भाई, ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, ठीक है, कर लोगे सारे, डिस्पर्स्ड इन, तो ये स्पेलिंग आप देख लेना, डी आई एस पी, डिस्पर्स की स्पेलिंग आई डी आई एस पी ई आर एस ई डी, ये लिख लेना आपको, मैंने कहीं भी कुछ भी लिखी है, आप अपने डी आई एस पी ई आर एस ई डी ठीक ही लिखी है, ज्यादातर जगह मैं थोड़ा कन्फ्यूज था, तो ये स्पेलिंग लिखनी है आपको डिस्पर्स की। जेल इज ए सेमी सॉलिड कोलोइड, सेमी सॉलिड कोलोइड कोलोइड है जिसमें कुछ सॉलिड है कुछ लिक्विड है, ठीक है, इन विच देयर इज ए कंटिन्यूअस नेटवर्क, मतलब एक सॉलिड एक सॉलिड एक सॉलिड एक सॉलिड एक सॉलिड एक सॉलिड ऐसे नेटवर्क बना हुआ है, किसके अंदर, एक पूरे में लिक्विड भरा हुआ है, तो नेटवर्क के तहत ही सारे सॉलिड पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं और है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो उसको कहेंगे जेल। जेल का एग्जाम्पल क्या लिखोगे, एग्जाम्पल्स लिखो जेल के, जेली जेलेटाइन, भाई जेलीज तो होते हैं ना, जेलीज जिलेटिन एक केमिकल होता है जिलेटिन, उसके अलावा हेयर जेल लिख लो, हमारे नॉर्मल हेयर जेल आप डेली यूज करते हो, तो ये क्या लिखोगे, हमारे जेल के एग्जांपल्स कितने हो गए भाई, कोलोइड्स पांच टाइप के कोलोइड्स पढ़ ले, सिक्स टाइप का कोलोइड्स पढ़ो, सिक्स टाइप का क्या था हमारा, अच्छा जेल पहले एरोसोल, एरोसोल पढ़ो भाई, नई टर्म है आपके लिए, बिल्कुल नया नाम है एरोसोल, कुछ नया नहीं आपको मैं टेबल जो दूंगा आपका, सो टेबल याद करनी है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना, उस टेबल से आपके सारे ये क्लियर हो जाएंगे। एरोसोल करना है कि लिखो एक डेफिनेशन लिखो, एन एरोसोल इज ए कोलोइड, कोलोइड तो ये लाइन तो आपको सभी में लिखना है, जेल इज ए कोलोइड, ए फॉर्म इज ए कोलोइड, ए सॉलिड फॉर्म इज ए कोलोइड, ये लाइन तो हर जगह चिपका देना आप, क्या लिखोगे, एन एरोसोल इज ए कोलोइड इन विच ए सॉलिड और लिक्विड, इन विच ए सॉलिड और ए लिक्विड, इन विच ए सॉलिड और ए लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन ए गैस, इज डिस्पर्स्ड इन ए गैस, मेरे ख्याल में समझ गए होगे आप कि सॉलिड या लिक्विड जब गैस के अंदर डिस्पर्स होगा, वहां क्या पढ़ा था कि गैस सॉलिड या लिक्विड के अंदर डिस्पर्स थी फॉर्म में, लेकिन यहाँ क्या है कि सॉलिड और लिक्विड गैस के अंदर डिस्पर्स है, वहां पे गैस मतलब यहाँ पे गैस सॉल्वेंट की तरह, वहां पे गैस सॉल्यूट की तरह थी, इज डिस्पर्स्ड इन ए गैस, कर लोगे भाई, तो एग्जांपल देखेंगे इसका, बाकी इसकी डेफिनेशन यही है कि गैस के अंदर हम सॉलिड या लिक्विड को डिस्पर्स करेंगे, कि हमारा जो डिस्पर्सिंग फेज है वो तो होगा सॉलिड या लिक्विड, और मीडियम जिस जो ज्यादा होगा वो होगी गैस। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप, कि जो हमारे फॉग होता है, कोहरा नहीं हो जाता कोहरा, कि भाई को धुंध पड़ रही है और फिर जो दिखता नहीं है, कोहरा आता गाड़ी चलाते हैं, क्या होता है उसमें कि जो हमारी गैस होती है हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस है उसके अंदर हमारी जो नीचे की, आप देखना कभी जब एयर ट्रैफिक होता है और ठंड होती है धुंध पड़ रही होती है तो वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, वहाँ कलर क्लाउड बना देता है एक बहुत ही, क्लाउड किसका होता है कि जो गाड़ियों के व्हीकल से जो धुआं निकलता है वो उस पूरी एयर के अंदर डिस्पर्स हो जाता है जिससे एक अलग क्लाउड बन जाता है, तभी तो कहते हैं जो दिल्ली में पोल्यूशन हुआ था, फोग हुआ था, फोग ही तो हुआ था कि उसके कारण फिर सांस लेने में हमें प्रॉब्लम आती है, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आती है, तो एरोसोल है ये, एरोसोल के एग्जांपल में हम लिख लेंगे स्मोक, स्मोक जो होता है, स्मोक होता है हमारा जो धुआं होता है उसमें जो कार्बन होती है धुआं से निकल के वो क्या होती है एयर के अंदर डिस्पर्स हो जाती है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल पोल्यूशन, ऑटोमोबाइल का जो भी हमारा पोल्यूशन होगा या ऑटोमोबाइल स्मोक होगी वो क्या होगा एरोसोल की कैटेगरी में आएंगे, ऑटोमोबाइल के आएंगे। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो हेयर स्प्रे होते हैं, फॉग होता है, फॉग लिख लो, या फिर हम कुछ एक
अपने बालों पे स्प्रे होते हैं, कुछ एक स्प्रे आते हैं हमारे जिसमें गैस के अंदर सॉलिड लिक्विड होता है। फोम देखो, फोम क्या था और ये क्या था, दोनों आपको क्लियर होना चाहिए। तीन एग्जांपल लिख लेना, स्मोक, ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन और फोग, जो सर्दियों में फोग हो जाता है, ये हो गया एरोसोल। कैसे लिखोगे इसको, याद कैसे करोगे कि सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड प्लस गैस, कि ये गैस के अंदर मिलेंगे। यहाँ क्या था, यहाँ था कि सॉलिड किसके अंदर था, लिक्विड के अंदर, सेम इस नेटवर्क के फॉर्म में। तो इस तरह से आपको याद करना, बच गया कौन सा, सोल हो गया, फॉर्म हो गया सॉलिड सोल, सॉलिड फॉर्म, एरोसोल, जेल। इमल्शन पढ़ते हैं, लास्ट है हमारा, इमल्शन पढ़ के खत्म करते हैं, लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज थी भाई। अगर आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं एमटीएससी वगैरह से, क्वेश्चन एक क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, कोई एग्जाम्पल दे देगा, बताओ सोल है, फॉर्म है, सॉलिड सोल है। तो जो एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूँ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, इनसे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, और इनसे ज्यादा पूछेंगे आपको ये याद होता है, आप आराम से इनसे लिंक करके बता सकते हो कि भाई ये क्या है। लास्ट आ गया हमारा इमल्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ के लिए, क्योंकि इसका एग्जाम्पल मिल्क होता है, बटर होता है, हमारी क्रीम वगैरह होती है जो हम डेली यूज करते हैं। लिखो, एनिमल्सन इज ए कोलोइड इन विच एन इमल्सन इज ए कोलोइड इन विच, क्या है ये लाइन तो हर जगह चिपकानी है आपको, कि एनिमल्सन जेल फॉर्म इज ए कोलोइड इन विच। एक डेफिनेशन इसको समझेंगे बाद में, एक बार डेफिनेशन लिख लो कि इन विच ए माइनट ए टीनी ड्रॉप ऑफ वन, वन क्या, वन लिक्विड आर, इन विच माइनट ड्रॉप्स ऑफ वन लिक्विड आर डिस्पर्स्ड, आर डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड। एक लिक्विड की माइनट ड्रॉप्स दूसरे लिक्विड के अंदर डिस्पर्स्ड हो गए। इमल्शन इज ए कोलोइड इन विच, पढ़ो देखो, इन विच माइनट ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड आर डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड विच इज नॉट विजिबल विद इट। साथ में लिखोगे विच इज नॉट विजिबल विद इट। मिजिबल होता है जब हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था, कंप्लीटली कुछ रिएक्ट करके नई चीज बना लेना, मिजिबल हो गया भाई कि वो कंप्लीटली मिक्स हो गया आपस में। नॉन मिजिबल होते हैं जो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, जैसे ऑयल और वाटर है, डाल दो साथ रहेंगे लेकिन मिक्स नहीं होंगे। मान लो कोई भी चिकनी चीज पानी में आ जाए, या कुछ एक ऐसे हमारे एग्जाम्पल है जो मिक्स नहीं होते कंप्लीट, उसको बोलते हैं कंप्लीटली मिजिबल और इनमिजिबल। तो ये अच्छे से मिजिबल नहीं होते। तो इमल्शन इज ए कोलोइड, कोलोइड तो है, इन विच माइनट ड्रॉप्स ऑफ वन लिक्विड, एक लिक्विड की कुछ ड्रॉप्स डिस्पर्स होगी दूसरे लिक्विड में। तो दूसरा लिक्विड क्या हो गया हमारा, डिस्पर्स मीडियम, ये हो गया डिस्पर्स फेज। कि एक लिक्विड डिस्पर्स फेज की तरह काम करेगा, उसके कुछ ड्रॉप्स दूसरे लिक्विड जो डिस्पर्स मीडियम की तरह है उसके अंदर उसमें डिस्पर्स होंगे, और वो आपस में दोनों विजिबल नहीं होंगे, कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे। तो उस तरह के हमारा जो भी कोलोइड बनेगा उसको हम बोले इमल्शन। एग्जाम्पल इसके आपको याद, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए, मिल्क बटर, ये डेली लाइफ हमारे एग्जाम्पल हैं जो कि इमल्शन होते हैं। मिल्क का बहुत बार पूछा गया है कि मिल्क इज ए टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ कोलोइड्स, सोल, फोम, इमल्शन, एरोसोल। सीधा आपको इमल्शन पे लगाना है और कहीं कुछ नहीं देखना, ये याद करना है। मिल्क हो गया हमारा बटर, या किसी तरह की कोई फेस क्रीम टाइप आती है जो बटर टाइप, या आपको ऐसा लगता है कि चिकनाई होती है जैसे पेंट होता है हमारा, इमल्शन होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा था, टाइप्स ऑफ कोलोइड्स हमारे खत्म हो गए। जो आपको मैं एक टेबल है वो इस वीडियो के लास्ट में आपको दे रहा हूँ, आपको वो टेबल अच्छे से देखनी है, उसको आप अच्छे से पॉज करके, पॉज बटन पे उसको टेबलर फॉर्म में इन सबको अच्छे से लिख लेना, तब ताकि आपको याद हो जाए। बहुत ही शॉर्ट में ऐसे लिखा रहेगा, सॉलिड प्लस लिक्विड ये, सॉलिड प्लस सॉलिड ये, पूरा डिटेल्स जो भी आपने पढ़ा उसके कंसाइज नोट्स होंगे वो। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आप सभी बच्चों ने ध्यान से देखा होगा, नोट्स बनाए होंगे और आगे इसको देख के अपना कंप्लीट करेंगे वो टेबल बना के। और साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो अगली लेक्चर आने वाला है, अगला लेक्चर आना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में, अगला लेक्चर हमारे 11th 12th की तैयारी की शुरू हो जाएगी, जो 9th के बाद आप जब साइंस लेंगे, अगर 11th 12th में जाओगे तो कंसंट्रेशन टर्म्स आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बच्चों देखते रहिए, जुड़े रहिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।